हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं कार के बारे में बताऊंगा, मेरी घर के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों ये जो है ये बलेनो गाड़ी है जो हमने 2019 में ख़रीदी थी दोस्तों, 9 लाख में ख़रीदी थी। तो ये इसका आप देख लीजिए पूरा। दोस्तों ये है हमारी नई गाड़ी जो हमने 2019 में ख़रीदी थी, देख पा रहे हो बिल्कुल नई है दोस्तों, बलेनो है, मारुति सुजुकी कंपनी की दोस्तों, जिसे हम चलाते हैं। कल मैं घूमने जाऊंगा इससे। ये हमारी पूरी गाड़ी देख रहे हो आप। एक मेरा भाई छोटा पुलिस में है दोस्तों, इसलिए इस पे मोनो भी लगा है। इधर साइड से देखिए दोस्तों, बैक साइड में भी दिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। ये पीछे से इसका बैक है दोस्तों, ये 2019 की खरीदी हुई है दोस्तों, बिल्कुल टॉप कंडीशन में है दोस्तों। तो दोस्तों मैं कार आज आपको इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आज से कम 10 साल पहले 2007 और 2009 में जब हम हमारे पास के सर बड़नगर में जाते थे, तो पापा के साथ में जाते थे दोस्तों, और साइकिल से जाते थे। जब किसी हमारे पास से कोई गुजरता था बाइक वाला, तो हमारे मन में चाहत होती थी दोस्तों कि काश हमारे पास भी एक बाइक हो जिससे हमें पैदल न मारना पड़े और हम आसानी से बड़नगर शहर को पहुंच जाए। तो दोस्तों बहुत पुराना सपना था और वो सपना हमने पूरा भी किया दोस्तों। दोस्तों सपना ऐसे पूरा नहीं होता है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों। हमने जी जान से मेहनत करी दोस्तों, और आज हम उस मुकाम पर हैं, वो आज हम उस जगह पर हैं जो हमने सोचा था कि हमारे पास यार कभी ना कभी एक मोटरसाइकिल हो। तो हमारे पास आज तीन तीन चार चार बाइक है, और ये 8-9 लाख की गाड़ी है दोस्तों। और पास ही में मैंने आपको बताया एक खेत है जो हमने 40 लाख में अभी ख़रीदा है दोस्तों। तो दोस्तों अगर दिल में चाहत हो किसी की पाने की, और जुनून हो मेहनत का, और जज्बा हो किसी चीज़ का पाने का, तो दोस्तों कोई मंजिल आपसे दूर नहीं रह सकती ज़्यादा दिनों तक। तो ये दोस्तों मैं आपके लिए बता रहा हूँ, यदि आपके मन में कोई चाहत है किसी चीज़ को पाने की, या कोई मंजिल है आपको आपके दिल में कि ये मंजिल मुझे पाना लेना है, या इस मंजिल तक मुझे जाना है, दोस्तों यकीन मानिए, धैर्य रखिए और उसके हिसाब से उसके मुताबिक आप काम करिए दोस्तों, आपको वो मंजिल एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगी दोस्तों। ये हमारा खेत है दोस्तों, ये जो अभी हमने 40 लाख में क्रय किया है दोस्तों, पूरा अभी गेहूँ की फसल बो रखी है दोस्तों, शानदार नज़ारा है बिल्कुल। मुझे खेतों से बहुत प्यार है, हरियाली से बहुत प्यार है, देख सकते हो आप, बहुत ही बड़ा खेत है दोस्तों। ये अभी फ़िलहाल में 40 लाख में क्रय किया है दोस्तों। तो कहने का आशय यही है दोस्तों कि एक दिन हमारा ऐसा था दोस्तों कि हमारे पिताजी सुनाते हैं, हमारे पिताजी मतलब बहुत गरीबी स्थिति में जिए हैं दोस्तों। जब वो पढ़ने जाते थे तो उनके पास कपड़े नहीं होते थे दोस्तों, स्कूल की फीस भरने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते थे दोस्तों। जो उनके दोस्त पढ़ते थे साथ में स्कूल वाले, वो चंदा करके उनकी ड्रेस सिलवाते थे, और चंदा करके ही उनकी थोड़ी बहुत फीस रहती थी उस टाइम पे। गवर्नमेंट टीचर लेते हैं थोड़ी बहुत, 10-20 रुपये रही होगी उस टाइम पे, तो दोस्तों वो भी नहीं भर पाते थे, और गेहूँ नसीब में नहीं था दोस्तों, अनाज नसीब में नहीं था। हमें तो पता नहीं उतना, लेकिन उतनी गरीबी तो हमने नहीं देखी, लेकिन मेरे पिताजी ने देखी है दोस्तों। उनके पास गेहूँ खाने को नहीं रहते थे, ज्वार खाते थे दोस्तों, और कभी कभी भूखे भी सोया करते थे। उनकी माँ जो थी, हमारी जो दादी थी, वो वृद्धावस्था में हो चुकी थी, और उनसे कमाने की नहीं बनती थी। उनके पिताजी शांत हो गए थे, यानी कि हमारे दादाजी, तो मेरे पिताजी के ऊपर बहुत सारा बोझ आ चुका था दोस्तों। स्कूल भी जाते थे और मेहनत मजदूरी भी करने जाते थे, सोयाबीन काटना, जो गांव में काम होते हैं, गड्ढे खोदना इत्यादि काम करते थे दोस्तों। तो उनने बहुत संघर्ष किया है दोस्तों, और हमको एक सीख दी कि बेटा आप कितने भी बड़े हो जाओ तो कभी किसी गरीब को किसी प्रकार से दुख मत देना, सताना मत, और हो सके तो भला करना, और भला ना हो सके तो बुरा मत करना। तो दोस्तों आज हम गवर्नमेंट जॉब में हैं, लेकिन किसी का बुरा नहीं करते हैं दोस्तों। ऑफिस में जो भी हमसे काम होता है वो करते हैं, और बिना पैसे के करते हैं दोस्तों, क्योंकि हमने देखी है दोस्तों गरीबी किस प्रकार आदमी को मतलब निर्बल बना देती है, बहुत कमज़ोर बना देती है। गरीबी आदमी से सब कुछ करवा देती है दोस्तों। परिस्थिति एक ऐसी चीज़ होती है जो आदमी को ना चाहते हुए भी जो काम होता है वो कर लेता है। तो दोस्तों गरीबी एक अभिशाप ही समझो, लेकिन दोस्तों गरीबी से आप उबर सकते हो। यदि आपके मन में कोई मंजिल पाने की चाहत हो,
तो कोई गरीबी कोई इतना बड़ी गरीबी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है दोस्तों कि इसे दूर नहीं किया जा सके। दोस्तों ये मेरी लाइफ है, ये मेरा सफ़र है दोस्तों, और मैं इस सफ़र को दोस्तों और जारी रखूँगा। मैं हिम्मत नहीं हारा हूँ दोस्तों, मुझे अभी बहुत बड़े लेवल तक जाना है, मेरी एक बड़ी पहचान बनानी है दोस्तों, और वो पहचान आप ही बना सकते हो दोस्तों। कई आप जैसे कई सारे दोस्त मिलकर हमें प्यार दे सकते हो, हमें फॉलो कर सकते हो, हमें सब्सक्राइब कर सकते हो दोस्तों। मैं ऐसे ही वीडियो डालूंगा दोस्तों मेरे लाइफ से जुड़े हुए, और कुछ मोटिवेशनल भी डालूंगा दोस्तों कि आपको आपकी मंजिल पाना है तो आपको किस प्रकार मेहनत करना होगी। दोस्तों मेहनत करने के बाद ही किस्मत साथ देती है, एक बात आपको बता देता हूँ, यदि आप मेहनत नहीं करोगे तो किस्मत नाम की कोई चीज़ रहेगी नहीं दुनिया में। यदि आप मेहनत करोगे तभी किस्मत साथ देगी, यदि मेहनत नहीं है तो किस्मत वगैरह तो भूल ही जाओ दोस्तों। इसलिए दोस्तों जो भी आपने मंजिल ठान रखी है, सोच रखी है, उसे अगर पाना है तो बस आज से ही उठ जाओ, और दिमाग में बस एक ही चीज़ रहना चाहिए दोस्तों कि मुझे उस मंजिल को पाना है जो मैंने सोच रखा है। हमेशा उसका स्मरण करो दोस्तों, यकीन मानिए दोस्तों वो मंजिल आपको एक दिन ज़रूर मिलेगी। वो दोस्तों जब वो मंजिल मिलती है ना तो इतनी खुशी होती है, इतना सुकून मिलता है, इतना चैन मिलता है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। तो दोस्तों ये था मेरा ब्लॉगिंग आज का वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। और बस यही एक संदेश मैसेज देना चाहूँगा मैं दोस्तों, यदि आप भी हमारे जैसे कोई हो, यदि दोस्त हमारी जैसी अगर गरीबी अभी भी कोई जी रहा दोस्तों, तो हार मत मानिएगा दोस्तों, संघर्ष करते रहिएगा, और संघर्ष करते रहने से ही आपको एक दिन ज़रूर मंजिल मिलेगी दोस्तों। आपको हर कर थकना नहीं है दोस्तों, जिस दिन आप थक जाओगे ना दुनिया उस दिन आपको मजाक उड़ाएगी दोस्तों। तो आपको थकना नहीं है, चाहे आप कितने भी कमज़ोर हो गए, लेकिन रहना है, थोड़ा थोड़ा चलते रहना है। जिस दिन आप अगर चलना बंद हो जाओगे दोस्तों, तो समझ लो वो आपकी हार मानी जाएगी। चलना मत छोड़िए दोस्तों, चाहे आप थोड़ा रुक के चलिए, कुछ समय के लिए चलिए, थोड़ा ही चलिए, धीरे धीरे चलिए, लेकिन चलिए ज़रूर दोस्तों, ताकि आपका मंजिल का रास्ता आपका नज़दीक आता जाए दोस्तों। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो था दोस्तों, बस आपका प्यार चाहिए, आपका स्नेह चाहिए। और दोस्तों जो भी कुछ कमेंट हुआ मेरे लिए या मेरी इस वीडियो के लिए, तो आपकी कमेंट का स्वागत है दोस्तों दिल से। मैं हर एक कमेंट का जवाब देना चाहूँगा दोस्तों। और आपकी लाइफ से अगर कोई जुड़ी कोई पर्सनल चीज़ हो या फिर और कोई चीज़ हो, तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आपकी लाइफ कैसे जी है आपने। मैंने तो दोस्तों अपनी लाइफ के बारे में बताया है, और भी बहुत कुछ बताऊँगा दोस्तों। तो बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक बाय बाय टाटा।